So hi guys, welcome to you all in my YouTube channel. Today I will discuss about the kaps, revised about the kaps exam and the Australian scenario and all these. From last एक वीक से मेरे पास थोड़ा सा टाइम बिल्कुल भी नहीं था और एक वीक से मैंने एक भी वीडियो नहीं किया है. तो मैंने कहा आज जब जस्ट मैं अभी ऑफिस से आया और मैंने कहा एक थोड़ा पहले एक वीडियो कर देता हूँ मैं. तो आज का जो पूरा वीडियो है हिंदी में होगा क्योंकि मैंने जो लास्ट टाइम बनाया था कैप्स के बारे में जो वीडियो वो इंग्लिश में था और वो मैंने बनाया था करीब 18 महीने से पहले बनाया था. और अभी ये लेटेस्ट क्या चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में तो मैं आपको वो बताऊंगा. और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो आप समझ जाएंगे कि आपको करना क्या है. और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपके कम से कम जो है 60-70 मैसेज, ईमेल्स और फेसबुक, मतलब मैंने सारे कमेंट्स को पढ़ के ये वीडियो बना रहा हूँ. और मैं कुछ जो क्वेश्चंस हैं उसको मैं इस वीडियो के बाद मतलब लास्ट में मैं डिस्कस भी करूँगा. तो चलिए शुरू करते हैं ये कैप्स एग्ज़ाम क्या है. तो जो ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको प्रैक्टिस करनी है एज ए फार्मासिस्ट तो आपको जो है कैप्स एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा, KAPS. तो इस एग्ज़ाम में सबसे जो पहला जो चरण है उसमें क्या होगा, आपको जो है आपकी जो डिग्री है उसका स्किल असेसमेंट कराना है. मतलब जो आपकी डिग्री है B.Pharm की या फार्म डे की तो वो इक्वल है या नहीं ऑस्ट्रेलियन डिग्री के. तो ऑस्ट्रेलियन डिग्री क्या होती है, 4 साल की कोई भी डिग्री है फार्मेसी की वो एलिजिबल है यहाँ पर एग्ज़ाम लिखने के लिए. और फिर उसके बाद में क्या है, फिर उसके बाद में आप जो है कैप्स का एग्ज़ाम का जो है अपनी एप्लीकेशन करेंगे और फिर उसके बाद जो है आप जो है कैप्स एग्ज़ाम लिखेंगे. तो जो कैप्स का जो एग्ज़ाम होता है वो 2 एग्ज़ाम होते हैं. उसके अंदर जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें जो है मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड फार्माकोलॉजी, मतलब जो सिस्टम होते हैं ना, फॉर एग्जांपल जैसे GIT है तो GIT में जितनी भी जो मतलब ड्रग्स यूज़ की जाती हैं और उसकी जो है क्या मैकेनिज्म है और क्या 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 जो है उसकी जो है स्ट्रक्चर स्पेशली क्या होते हैं, तो मतलब केमिस्ट्री एंड फार्माकोलॉजी का जो है एक एग्ज़ाम होता है. और दूसरा एग्ज़ाम इसका होता है उसमें फार्मास्यूटिक्स और थेरेप्यूटिक्स यूज़ की जाती है, मतलब जो फार्मुलेशंस हैं. स्पेशली इस एग्ज़ाम में जो है ना आपको सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस देना है वो है कैलकुलेशन पार्ट के ऊपर. कैलकुलेशन पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम में भी और इस एग्ज़ाम के बाद भी, है ना. वो बहुत यहाँ पर जो है उसको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिए जाते हैं. तो इन सारे जो एग्ज़ाम में जो आपको पासिंग मार्क्स हैं वो आपको 50% आने चाहिए. 50% आ गए तो आप जो है पास कर जाएंगे. तो आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, दोनों ही जो 100 जो है MCQ क्वेश्चन होते हैं. और ये जो एग्ज़ाम है 1 साल में 3 बार होता है ना, तो आप जो है कभी भी आप लोग दे सकते हैं. और आप, मैं तो ये कहूँगा आप पहले प्रिपेयर कीजिए अच्छी तरह से, उसके बाद ये एग्ज़ाम आप जो है लिखिए. अब बात आती है बहुत सारे लोगों का जो है ना कि एग्ज़ाम पास कर लिया और ऑस्ट्रेलिया में जो है अभी जो है इमिग्रेशन नहीं मिल रही है. तो मैं अभी बताऊँ आपको एक क्या हुआ था, अभी 3 दिन पहले की बात है ये, मतलब लास्ट मंडे को एक स्टेट है क्वींसलैंड, उन्होंने ओपन किया और विद इन 2 दिन के अंदर उन्होंने बंद भी कर दिया. मतलब अब इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर जो डिमांड थी या तो कम थी, मतलब उनको लोग कम चाहिए थे और लोग इतने रेडी बैठे हुए थे जैसे ही ओपन किया और उन्होंने फ़ौरन से एप्लीकेशन कर दिया. तो मेरा कहने का मतलब यही है आप कैप्स एग्ज़ाम दे के आप बैठ जाएं, आप वेट करते रहें. अब ये वेट आपको मालूम नहीं चलेगा कब ओपन हो रहा है कब ओपन नहीं हो रहा है. तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप एक लॉयर हायर करें, मतलब एक कंसल्टेंट हायर कर लें इंडिया के अंदर और वो आपकी प्रोसेस करेगा जो है आपकी एप्लीकेशन. और उसको सारी चीज़ें मालूम होती है कि जैसे ही इमिडिएटली सारे डॉक्यूमेंट आपके रेडी हैं, आपने जो है एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, आपने जो है असेसमेंट आपकी हो गई थी एग्ज़ाम क्लियर है आपका, आपने जो है इंग्लिश टेस्ट भी आपने दे लिया है, अब आप वेट कर रहे हैं कि कौन से स्टेट में आपको जो है ओपनिंग होती है और फिर जो है वो वहाँ पर कर देगा. अब उसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अगर मार्क्स, अगर आपके पॉइंट्स अगर आपके 70+ हैं, गवर्नमेंट बोलती है कि 65 पॉइंट पर जो है आप लोग जो है एप्लीकेशन कर सकते हैं. मगर सिनेरियो यहाँ पर क्या चल रहा है, जो 75 मार्क्स हैं उन्हीं को अभी जो है इनविटेशन आ रहा है. मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो जिसके मार्क्स हाई हैं तो उसको जो है ज़्यादा दिया जा रहा है. तो अभी क्या सिनेरियो क्या है, अभी NSW जिस स्टेट में मैं होता हूँ वहाँ पर अभी ओपन है. ये भी अभी कुछ दिन पहले ही, 2 हफ्ते पहले ही शायद ये ओपन हुआ, 2 हफ्ते से ओपन है और यहाँ भी कभी भी बंद हो सकता है ना. तो ऐसे कहता है हर स्टेट की अपनी लिस्ट आती रहती है और जो है वो रिवाइज होती रहती है. तो जैसे क्वींसलैंड में क्या हुआ कि उन्होंने ओपन किया
और दो दिन में इन्होंने बंद कर दिया। उनको जितने लोग चाहिए थे उनको दो दिन के अंदर ही उनको मिल गए, है ना। तो ऐसे और भी स्टेट हैं यहाँ पर, जैसे साउथ ऑस्ट्रेलिया है, या जो है तस्मानिया है, और नॉर्दर्न टेरेटरी है ना। तो ये सारी जगह का यही हाल है ना। आप किसी भी स्टेट में जो है, आप ये सारे एग्ज़ाम देने के बाद आप वेट करते रहे। आप बहुत सारे लोगों ने आप मुझसे पूछ रहे थे कि है ना, ये तो मतलब वेस्ट मनी वेस्ट है कि हम एग्ज़ाम पास कर लिए, हमें पीआर नहीं मिल रहा है ना। तो मनी वेस्ट नहीं है, आपको मिल जाएगा अगर आपके मार्क्स हैं 70 और 75। तो आप उसके लिए आप पहले से ही अपना असेसमेंट कर लें कि आपके मार्क्स कितने होंगे। आप मार्क्स डिपेंड करता है, अगर आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 8-10 साल का एक्सपीरियंस है और आपके जो इंग्लिश में जो आपके जो 8 आ गए, तो ना 20 मार्क्स उसके हो गए और इधर हो गए आपके 10 मार्क्स, तो आपको डेफिनेटली आपको इजीली हो जाएगा। अगर आपका एक्सपीरियंस कम है, फॉर एग्जांपल आपको 3 साल से अगर आपको कम एक्सपीरियंस है, तो उसके लिए जहाँ पर जो है जीरो मतलब पॉइंट दिए जाते हैं ना, तो आप 0 पॉइंट मिलेंगे तो आपके पॉइंट वहाँ तक हो ही नहीं पाएंगे। तो बेटर यही है कि 3 साल एक्सपीरियंस हो और उसके बाद ही आप लोग यहाँ पर जो है अप्लाई करें। और एक बात किया थी कि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, ये फार्मेसी टेक्नीशियन वाले जो मेरा वीडियो था उसके ऊपर, क्या जो है ना कि हमने फॉर्म डी कर लिया है, कि हम वी फॉर्म कर लिया है, कि हम इंडिया से एप्लीकेशन कर सकते हैं या नहीं। मैंने आपको जब भी बताया था कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है यहाँ पर। अगर आप डिप्लोमा हैं तो आप जो हैं टेक्नीशियन में जाएंगे, और आप बैचलर डिग्री हैं तो फिर आप फार्मासिस्ट में आएंगे। आप जो है टेक्नीशियन में नहीं आ सकते, टेक्नीशियन में आपको नहीं लेगा वो। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि आपका एक्सपीरियंस नहीं है, आपकी डिग्री जो है हायर हो जा रही है ना। तो आप अगर ना, तो फिर आप जो है उसमें एज ए फार्मासिस्ट ही आप जो हैं ये एग्ज़ाम पास करें, आप उसके अंदर ही आप आएँ। अब बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया हुआ है ना कि मैं मटेरियल बताऊंगा आपके लिए, क्या एग्ज़ाम के लिए क्या मटेरियल है, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो ये देखिए, मैंने बहुत सारे लोगों से, इंडियंस यहाँ पे हैं, मैंने बात करनी चाहिए जो लेटेस्टली पास किए, क्योंकि जो ना यहाँ पर रिवाइज होता रहता है सिलेबस, तो ओल्ड वाले लोगों का कोई काम नहीं आएगा। तो मैं तो ये कहूँगा आपसे, आप जितनी भी आपने बी फॉर्म में पढ़ाई करी है, आप ऐसे ही सारी पढ़ाई करें। फॉर एग्जांपल फार्माकोलॉजी जो क्रेडिटेड थी, है ना, रैंगनडेल है ना, तो अच्छी बुक्स हैं वो, आप बुक्स पढ़ें और आपका हो जाएगा। कोई इतना टफ नहीं है, मतलब 50% ही आपको लेके आना है। आपको ऐसा नहीं है कि 80% या 90% लेके आना है तब फिर भाई प्रॉब्लम है ना, 50% आ जाते हैं। और मैंने और देखा है, अगर आप BCPS की तैयारी कर लेते हैं ना, तो आपको 100% हो ही जाना है ना। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ना, वो लोग जो है पहले BCPS की तैयारी करते हैं, BCPS में भी दिया उन्होंने, और फिर इधर जो है ऑस्ट्रेलिया का दिया और कनाडा का दिया, और फिर जहाँ भी उनका हो गया वहाँ चले जाते हैं, है ना। जैसे हमारी ये वही बात हो गई, जैसे कोई बंदा जो है IAS PCS की तैयारी करता है, IAS की, फिर IAS में उसको नहीं होता तो PCS में चला जाता है ना, उसको थोड़ा सा लोअर रैंक वाले में उसका हो जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही ईजी है, एक एग्ज़ाम पास करना है और यहाँ आ जाना है ना। और कनाडा और US का प्रोसेस बहुत ही टफ है। मैं किसी और आपको एक वीडियो बनाऊंगा कि उसके ऊपर जो है कि कौन सी कंट्री बेटर है, ऑस्ट्रेलिया या जो है कनाडा, और क्यों। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, लोग मैं पागल हो जा रहा हूँ पूछ के। लोग, मैंने आपको कितनी बार बता दिया है, आप बी फॉर्म हो, आप एम फॉर्म हैं, आप इवन PhD भी हों, है ना, या आप फॉर्म डी हैं, तो कोई मैटर नहीं करता, सब इक्वल है, सब सेम है यहाँ ऑस्ट्रेलिया के लिए। फार्मासिस्ट का मतलब है आपको काम करना होगा एक मेडिकल स्टोर पे, आपको जो है एक कम्युनिटी फार्मेसी पे जॉब करनी होगी। मोस्टली लोग उसी में ही करते हैं 90%, और कुछ लोग होते हैं हॉस्पिटल में चले जाते हैं। हॉस्पिटल में कम चांस होते हैं, ज़्यादा चांस हैं आपको जो है रिटेल फार्मेसी में, और रिटेल फार्मेसी में पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं, है ना। और स्पेशली आप माइग्रेंट हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है कम्युनिटी फार्मेसी में ही, वहाँ चांस नहीं है आपके, है ना। तो आपको मैटर नहीं करता कि आप फार्म डी, हर कोई पूछता है मैं फार्म डी हूँ तो फार्म डी का क्या स्कोप है ऑस्ट्रेलिया में, तो ऐसा कोई स्पेशल एडवांटेज नहीं है कि आप फार्म डी हैं। यस, एडवांटेज आपको यहाँ मिलेगा कि अगर आप फार्म डी हैं तो आप डेफिनेटली क्लियर कर लेंगे कैप्स एग्ज़ाम एक बार में ही, क्योंकि फार्माकोथेरेपी आपने पढ़ी हुई है और फार्मेसी प्रैक्टिस आपने बहुत सारे सब्जेक्ट आपने पढ़े हुए हैं उसके अंदर, तो आपको ये हेल्प मिल सकती है एग्ज़ाम पास करने में। मगर यहाँ आने के बाद कोई ऐसा एडवांटेज नहीं है कि आप कहें कि मैं डॉक्टर हूँ, तो आप PhD करने के बाद भी आप डॉक्टर नहीं है, आप जस्ट एक फार्मासिस्ट हैं। देखिए, फार्मासिस्ट का एक बहुत अपना एक बहुत बड़ी बात है ऑस्ट्रेलिया में फार्मासिस्ट बनना, ठीक है। तो आप ये बच्चों वाले क्वेश्चन ना किया करें कि सर हम जो हैं फार्मडी हैं तो हमारा क्या कोई स्पेशलिटी है ना। अब एक दूसरा क्वेश्चन आता है यहाँ पर जो है ना कि क्लिनिकल फार्मेसी ऑस्ट्रेलिया में क्या है ना। जैसे कि मैंने बताया, अगर आप हॉस्पिटल में अगर आप काम करते हैं और आप पर्टिकुलर एक वार्ड में काम करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कार्डियोवैस्कुलर में काम कर रहे हैं या आप कैंसर में काम कर रहे हैं ना, तो फिर आप
सर्टेन ईयर के बाद है ना यहाँ पर एस एच पी है, मतलब इनकी एसोसिएशन हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की, उसके थ्रू रहता है कि आप जो है क्लिनिकल फार्मेसी या कंसल्टेंट फार्मासिस्ट होता है यहाँ पर। क्लिनिकल फार्मेसी कुछ नहीं होता है या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं ये लोग कंसल्टेंट फार्मासिस्ट हैं ये ना, कुछ एक सर्टेन एक्सपीरियंस के बाद। या फिर आप बी सी पी एस कर लें, आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं और आप बी सी पी एस कर लें, तब आप इमिडिएटली कह सकते हैं कि यार मैं जो है क्लिनिकल फार्मासिस्ट हूँ या मैं कंसल्टेंट फार्मासिस्ट हूँ। उसके लिए भी आपको एक पर्टिकुलर एरिया में ही काम करना पड़ेगा। जैसे बहुत सारी मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है आपको जो है बी सी पी एस के लिए कि जो है कितनी सारी के इन्फेक्शियस डिजीज़ में होती है कि ऑन्कोलॉजी में होती है ना, तो आप एक किसी भी आप चूज़ करें और आप उसको पास करें है ना। अगर आप फॉर्म डी आप बी एल में आप बोलते हैं कि आप डॉक्टर हैं, आप क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं, तो आप वो एग्ज़ाम पास करें और प्रूव करें कि मैं हूँ, मैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट हूँ, है ना। विदाउट एग्ज़ाम का कोई कुछ नहीं है, आप जो भी हैं आप इंडिया के नहीं हैं, तो फिर इंडिया में ही कुछ रहे या ना आए आप, है ना। जैसे 10,000 की बात जॉब करते रहे वहीं पे आप करते रहे, ये फालतू के चक्कर मना पड़े कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें डॉक्टरी की उपाधि दी है, हम डॉक्टर हैं, हम क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं, ना, तो ये सब बेकार वाली बात है। आप जस्ट एक फार्मासिस्ट हैं। और मैं एक वीडियो करने वाला हूँ जो है क्लिनिकल फार्मेसी और जो है कनाडा में क्या सिचुएशन है, वहाँ पे एक फार्मासिस्ट से मेरी बात भी हो गई है, मगर थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा मेरे लिए, बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ चल रही है, फिर भी मैं ये वीडियो कर रहा हूँ आप लोगों के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के। तो एक बात होती है कि इंग्लिश में क्या किया जाए, तो इंग्लिश का जो है ना यहाँ पर जो है ना आप या तो आप आईएएस दे सकते हैं, आप टॉफल भी दे सकते हैं, या एक होता है पीटीई होता है, एक होता है ओईटी है ना, ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट होता है एक, है ना। तो आप ऐसे आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा ऐसे लोग बोलते हैं यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया आते हैं कि पीटीई वो लोग करते हैं, और पीटीई में क्या होता है जो मतलब पीटी थोड़ा सा ईजी होता है और उसमें 8 बैंड भी आपको आ सकता है ना, थोड़ा सा आप तैयारी कीजिए। 7 तो यहाँ पर ईजीली आ जाता है उसका, 69 मार्क्स तो आ जाते हैं, और उससे अगर ज़्यादा लेकर आना है तो फिर आपको कोचिंग वोचिंग आप कोई भी ज्वाइन कर लें। और ये एग्ज़ाम क्या है, आप घर पर आप बैठ के आप दे सकते हैं उसको, दिल्ली में उसका सेंटर है, हैदराबाद में उसका सेंटर होता है, शायद मुंबई में भी है ना। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है आपको, पास करके यहाँ जाना है, कनाडा के लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा, यूएस के लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा, है ना। तो ये था कि मतलब रिवाइज किया है कि इसमें आपको एक कैप्स एग्ज़ाम लिखना है, सिंपली आपको अपनी डिग्री का असेसमेंट कराना है, फिर कैप्स एग्ज़ाम लिखना है, और कैप्स के दो होते हैं MCQ 1 और MCQ 2, तो उसमें जो है 50% आपका आ गया, आप पास हो जाएंगे। और आप जब आप वेट करते रहें, आप एक लॉयर हायर करें इंडिया में, वो आपका सारा काम करा देगा। और मैं ऐसे किसी भी लॉयर को नहीं जानता हूँ, आप लोग मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं कि आप मैं किसी को रिकमेंड कर दूँ, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग फ्रॉड कर देते हैं, पैसे ले लेते हैं, काम नहीं करते हैं, तो ना ये सब आपका अपना हेडेक है, आप लोग सर्च करें अच्छे बंदे को, मैं आप किसी को रिकमेंड नहीं करता। और मैं कोई एजेंट नहीं हूँ कि आप लोग मुझसे बोलते रहते हैं, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि भाई साहब हमें जॉब दे दो, हम आपको पैसे दे देंगे या रिश्वत देंगे और ये वो, तो मैं एक आपकी तरह एक फार्मासिस्ट हूँ सिंपली, और तो मैं जैसे आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, आप लोग मेरी हेल्प कर दीजिए, मेरे वीडियोस को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, तो जो है ना आई एम थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।